देखिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि झुका हुआ जाट और टूटी खाट ये किसी काम की नहीं है, तो उसी का रोष प्रकट किया है, जाटों में नाराज़ भी है, उन्होंने क्या सोच समझ के बयान दिया है ये तो उनको देखना चाहिए, लेकिन ये हमारे बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती है जिसको है ना हम नहीं सहन करेंगे और हम उनका है ना पूरा विरोध करेंगे। या तो वो अपने बयान से माफ़ी मांगे हमारे सार्वजनिक तौर पे हमारे बड़े बुजुर्गों से कौम के सरदारों से, उन्हें हम इसका पूरा विरोध करेंगे। इसी रोष प्रकट करने के लिए अभी तो हमने पर्चे चिपकाए हैं, अभी तो हम धरना देंगे प्रदर्शन करेंगे, हम पूरा वो इसका विरोध करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने पर्चे चिपकवाए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने बयान से माफ़ी मांगे, तो बड़े बुजुर्गों के सामने माफ़ी मांगे वो जो बुजुर्ग हैं हमारे वो फैसला करेंगे कि उन्हें क्या निर्णय लेना है। पता भी झुका हुआ जाट और टूटी खाट ये किसी काम की नहीं है, क्या झुका हुआ जाट। आप अगर बॉडी स्ट्रक्चर को देख के बात कर रहे हो तो 70 साल के बाद कोई भी बुजुर्ग झुक जाता है इसके लिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं आप बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो। क्या झुका हुआ जाट, तो फिर आप झुका हुआ किसको कहते हैं? ये जो हमारे जाट समाज के लोग आपको मजबूती देते हैं चुनाव में वोट करते हैं, ये आपको अगर वोट देते हैं तो ये फिर झुके हुए हैं, मैंने अपने पहले भी एक उसमें बयान में कहा है, तो आप कैसे झुके हुए कह रहे हो? अब मान सम्मान सबका होता है, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो, फिर आपको क्या हक है किसी को बेइज्जत करने का? इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, किस हिसाब से झुका हुआ जाए, कहाँ झुका हुआ जाए। ये शहर के अंदर जितने भी पोस्टर लगे हैं आपको दीवारों पे नज़र आ जाएंगे, और अभी हम और भी पोस्टर लगेंगे, होर्डिंग लगेंगे, हम विरोध करेंगे।